Hello my dear children, welcome back to the channel Connect to Commerce. Today we are going to begin with the second important element of staffing, that is selection. Students, actually you know that selection is not an easy thing. ये तो सभी जानते हैं बच्चों कि किसी भी organization में to be selected for a particular post is not an easy job. आप मान लीजिए कि एक तरह की हर्डल रेस है ये, जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और जो हर हर्डल को पार करके आगे निकल जाता है उसी का सिलेक्शन हो जाता है. तो एक सिलेक्शन प्रोसीजर, हालांकि एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है किसी भी सिलेक्शन प्रोसीजर का, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि एक नॉर्मल सिलेक्शन प्रोसीजर में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और कैंडिडेट्स को क्या क्या हर्डल्स जो हैं वो क्रॉस करने होते हैं टू गेट फाइनली सेलेक्टेड. सो लेट्स बिगिन विद सिलेक्शन प्रोसीजर. चलिए बच्चों, इमेजिन करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पोस्ट एडवर्टाइज हुई है फॉर दी प्रोडक्शन मैनेजर और रिक्रूटमेंट का सोर्स ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई कर चुकी है, उससे कांटेक्ट कर चुकी है. अब ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आई. मैंने यहाँ पर ये एप्लीकेशंस के लिए मैंने 10 कैंडिडेट्स को यहाँ पे चूज करा है कि 10 कैंडिडेट्स ने अप्लाई करा फॉर द वन पोस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर. अब इसी के थ्रू हम पूरा प्रोसीजर सीखेंगे. तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पे 10 कैंडिडेट्स हैं. तो पहला स्टेप होता है सिलेक्शन प्रोसीजर का प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सबसे पहली स्क्रीनिंग. अब वो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग किसके थ्रू होती है बच्चों? इट इज विद द हेल्प ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म्स. सबसे पहले कैंडिडेट से एप्लीकेशंस इनवाइट की जाती हैं और जॉब रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उस फॉर्म्स को भर के वो सबमिट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होता है कि सबसे पहले ही लेवल पे रिजेक्शन शुरू हो जाती हैं. जो भी अनफिट और अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन फॉर्म. अब वो कौन लोग हो सकते हैं? मान लीजिए पोस्ट में एडवर्टाइज था कि द एज ऑफ द कैंडिडेट शुड बी बिलो 30, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे लोग निकल आए जो 31 ईयर्स के थे या 32 ईयर्स के थे. या मान लीजिए पोस्ट में एडवर्टाइज था कि इट इज अ पोस्ट ओनली फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स, तो किसी एक दो मेल कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया तो वो अनफिट हो जाएंगे. तो जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब होती हैं उसके हिसाब से अगर लोग अप्लाई नहीं करते तो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे ही कुछ लोग रिजेक्ट हो जाते हैं. तो सपोज 10 लोगों ने अप्लाई करा और ये 3 रेड क्रॉस आप देख सकते हैं. तो 3 एप्लीकेशंस ऐसी निकली जो जॉब रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मैच ही नहीं हो रही थी. तो यहाँ पे प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में ही 3 लोग रिजेक्ट हो गए. अब 7 लोग जो है वो आगे बढ़े. अब सेकेंड स्टेप क्या होगा कि उन 7 लोगों का जो है वो सिलेक्शन टेस्ट होंगे. सिलेक्शन टेस्ट रिटर्न टेस्ट भी हो सकते हैं, प्रैक्टिकल टेस्ट भी हो सकते हैं, और बेसिकली 4-5 तरह के सिलेक्शन टेस्ट होते हैं. ट्रेड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट. इन टेस्ट के बारे में डिटेल्स में भी आपको बाद में बताऊंगी. फिलहाल क्योंकि अभी हम प्रोसीजर पढ़ रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि सेकंड स्टेप generally that is adopted in the selection procedure is various types of tests conducted to gather more and more information about these aspects of the candidate. तो selection test जो है वो second step हो गया. और ये सारे लोग, उसमें कोई क्राइटेरिया होगा, परसेंटेज का होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा, सब ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करता है. तो अब हमने माना ये कि ये 7 लोग जिन्होंने सिलेक्शन टेस्ट दिया उसमें से 2 लोगों का सिलेक्शन टेस्ट क्वालिफाई नहीं हुआ. तो एक हर्डल जो है वो क्रॉस करा सिर्फ 5 लोगों ने और वो आगे बढ़ गए और 2 लोग यहाँ पे रिजेक्ट हो गए. अब सिलेक्शन टेस्ट तक एक्चुअली फेस टू फेस कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हुआ कैंडिडेट्स के साथ, और फेस टू फेस कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी होता है. तो जो भी इंफॉर्मेशन सिलेक्शन टेस्ट के थ्रू ऑब्टेन होती है उसको क्रॉस चेक और वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट टाइम जब कैंडिडेट और एम्प्लॉयर का फेस टू फेस इन डेप्थ डिस्कशन होता है उसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू. उस एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के पर्पस क्या होता है? एक तो जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कलेक्टेड है उनको चेक किया जाए और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए कि उसका बिहेवियर कैसा है, कैंडिडेट जो है वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, उसका इमोशनल या टेम्परामेंट लेवल कैसा है. कुछ और एस्पेक्ट्स जो है वो इंटरव्यू के थ्रू जो है वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं या टेस्ट किए जाते हैं. मुझे इस टाइम एक एग्जाम्पल याद आ रहा है बच्चों, जब बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए यूपीएससी वगैरह के लिए इंटरव्यूज होते हैं, तो एक बार मैंने वीडियो देखी थी कि उसमें बताया कि जब कैंडिडेट आया तो उससे कहा गया कि राइट समथिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो अब किसी ने अपना नाम लिख दिया, किसी ने अपनी क्वालिफिकेशन लिख दी और वो सब रिजेक्ट होते गए। फिर उसके बाद एक कैंडिडेट आया, फिर उससे भी यही कहा कि राइट समथिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो उसने ब्लैक बोर्ड पे लिखा ऐसे, और जो है वही कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट हुआ, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। उसने एम्प्लॉयर ने कहा राइट समथिंग, तो उसने लिख दिया समथिंग, उसने कहा आपने तो मुझसे समथिंग ही लिखने को बोला था। तो ये सारी चीजें जो है ना बच्चों टेस्ट की जाती है विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यूज, जो सिलेक्शन टेस्ट में टेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। समझ आ रही है बात आपको? तो अब यहाँ पे फिर रिजेक्शन हुआ, कुछ तो इतने सारे लोगों ने क्वालिफाई कर लिया था, 5 लोगों ने, लेकिन उसमें से भी 1 को रिजेक्ट कर दिया गया और 4 लोगों ने ही वो इंटरव्यू जो है वो क्वालिफाई करा। कभी कभी इस इंटरव्यू की जगह पैनल डिस्कशंस भी होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस भी होते हैं, तो उसमें भी फेस टू फेस जो है वो कम्युनिकेशन की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए ये 4 लोग जो है वो ये 3 हर्डल्स उन्होंने पास कर लिए और वो आगे पहुंच गए, तो अब इनका क्या किया जाता है? नेक्स्ट स्टेप, रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किया जाता है। अब जो रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक है ना, उसके लिए जो डिटेल्स हैं वो यहीं पर ले ली जाती है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में। जब कैंडिडेट फॉर्म भरता है तो उसमें 1-2 कॉलम्स होती हैं, जिसमें किसी पुराने एम्प्लॉयर का या किसी दोस्त का या रिश्तेदार का या पड़ोसी का कॉन्टैक्ट नंबर या उसकी डिटेल्स पूछी जाती हैं, ताकि उसके थ्रू भी उसके कुछ एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो गैदर कर ली जाए। बल्कि अब तो क्या होता है बच्चों, रेफरेंस चेक पता है फेसबुक ट्विटर अकाउंट से भी ये सारे रेफरेंस चेक होते हैं, क्योंकि सीधे से उसकी फेसबुक आईडी पे आप चले जाइए कैंडिडेट की, देख लीजिए कोई ऐसी पोस्ट तो नहीं है जो कि ह्यूमन इंटरेस्ट में नहीं है, या कोई ऐसी उसकी टिप्पणी या कोई स्टेटमेंट तो नहीं है जिससे उसके कैरेक्टर के बारे में पता चल सकता है। तो इस तरह भी चेक किया जाता है। लेकिन ये रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक बहुत ही जरूरी होता है उन इंफॉर्मेशंस को गैदर करने के लिए जो ना तो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट से इकट्ठी की जा सकती है, ना ही इंटरव्यूज से। तो क्योंकि जो आस पड़ोस के लोग या पुराना एम्प्लॉयर बता सकता है वो कोई और नहीं बता सकता है। तो मान लीजिए कि 4 लोगों का ये बैकग्राउंड चेक किया गया था, जिसमें से 1 का बैकग्राउंड सूटेबल नहीं लगा किसी भी रीजन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया और 3 लोग जो है वो एक और हर्डल पार करके आगे बढ़ गए। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन के सामने ये 3 कैंडिडेट्स हैं जिसमें से भी अभी उन्हें फाइनल सिलेक्शन डिसीजन लेना है, तो अब क्या वो ग्राउंड बनाएंगे? तो अब यहां आप देखिए कि सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है, जिसमें किसको पावर दी जाती है? मैनेजर के अपने खुद के क्राइटेरिया होते हैं, जो ओनर है या जो मैनेजर है जिसको एक्चुअली एम्प्लॉय या कैंडिडेट चाहिए अपने अंडर काम करने के लिए, तो वो भी ये हक रखता है कि उसके अपने क्राइटेरियाज हो कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स जज करने के, और वो डिसाइड करे कि इन तीनों में से कौन सा कैंडिडेट उसके हिसाब से सूटेबल नहीं है, या 1 या 2 कुछ भी वो डिसाइड कर सकता है। तो यहाँ मान लेते हैं कि सिलेक्शन डिसीजन में मैनेजर ने 3 लोगों में से 1 को अपने हिसाब से रिजेक्ट कर दिया और ये सिलेक्शन डिसीजन लिया गया पूरी टीम ने, मैनेजर या मैनेजर्स की टीम ने, कि इन दोनों को अब हम इन दोनों में से किसी एक को हम फाइनलाइज करेंगे। अब उसके बाद जब ये 2 सेलेक्ट हो गए, अब एक इनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है, मेडिकली फिट है या नहीं है, उसको कोई ऐसी पर्टिकुलर डिजीज तो नहीं है जो कि हर्डल बन सकती है, काम में रुकावट पैदा कर सकती है, या वो बार बार कभी छुट्टियां तो नहीं लेगा उसकी वजह से। तो ये सारी चीजें जानने के लिए या तो मेडिकल सर्टिफिकेट कैंडिडेट से कह दिया जाता है कि आप लाके मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दे दीजिए, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस खुद अपना ही मेडिकल एग्जामिनेशन अपने मेडिकल एक्सपर्ट्स के थ्रू ही उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाती है, वो ज्यादा रिलायबल और फर्स्ट हैंड होता है। तो मान लीजिए इन दोनों का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ और उसमें से 1 जो है वो ज्यादा मेडिकली फिट पाया गया, दूसरा कम पाया गया, या उसके पास कुछ मेडिकल फिटनेस में कुछ कमियां थी, तो उसमें से 1 कैंडिडेट यहां भी रिजेक्ट हो गया और 1 जो है वो आगे बढ़ गया। तो सारी हर्डल्स को पास करते हुए रेस में ये जीत गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि उसको जॉब ऑफर दिया जाएगा। अब डेफिनेटली ये तो होता नहीं है, बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो जॉब ऑफर को रिजेक्ट कर दे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कैंडिडेट ने एक जगह, दो जगह, तीन जगह अप्लाई कर रखा है, तो किसी एक जगह जहाँ उसका सिलेक्शन हो गया, दूसरी जगह भी हो गया, तो ये भी पॉसिबल है कि वो इस जॉब ऑफर को रिजेक्ट कर दे। हालांकि बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं। तो जॉब ऑफर जो है उसमें क्या किया जाता है कि लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट उसको ऑफर किया जाता है, जिसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह मेंशन होती है कि इस डेट से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब कैंडिडेट के कोर्ट में बॉल आ गई कि ही वांट्स टू एक्सेप्ट और ही वांट्स टू रिजेक्ट। जब वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो फाइनली जिसमें एक अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो दिया जाता है कैंडिडेट को, और जिसमें कैंडिडेट कुछ अपने बारे में इंफॉर्मेशन जो सेल्फ अटेस्टेड होती हैं वो अटेस्ट करके उस फॉर्म के साथ सप्लाई करता है। और जब वो अटेस्टेशन फॉर्म वेरीफाई हो जाता है तो लास्ट में ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इसको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों साइन करते हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशंस होती हैं, जॉब टाइटल, ड्यूटीज that he has to perform, the responsibilities the candidate has to fulfill, उसका date of appointment, उसको कितने घंटे काम करना है, hours of work, उसके payment rates किस हिसाब से होंगे, उसकी अलाउंसेस क्या क्या उसे दी जाएंगी, लीव रूल्स क्या होंगे, ग्रीवांस प्रोसीजर क्या होगा कि अगर कोई शिकायतें होती हैं मैनेजमेंट की या कैंडिडेट की तो वो कैसे सेटल होंगी, वर्क रूल्स क्या होंगे, कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट है टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का वो क्या है, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो एक पूरा एक बड़ा डॉक्यूमेंट जिसमें हर चीज लिखी हुई है अबाउट द एम्प्लॉयमेंट, दैट विल बी कॉल्ड एज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो वी कैन सी that the selection procedure starts with a preliminary screening and it has 8 steps and the last part is the contract of employment with which the selection procedure ends. This is a procedure that is generally adopted. That's why all the steps are discussed in this procedure. अब आप बच्चों ये एक picture देखिए जो NCERT में दे रखी है पूरे selection procedure की कि किस तरह से शुरू से ही फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक कैसे कैसे रिजेक्शन होता है और जो एक्सेप्ट होते रहते हैं उनको आगे क्या क्या स्टेप्स जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। सो आई होप विद दिस यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल द स्टेप्स इन द सिलेक्शन प्रोसीजर। अब हम ये थोड़ा सा, क्योंकि सिलेक्शन टेस्ट पे भी अलग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये टेस्ट क्या होते हैं, कितनी तरह के टेस्ट होते हैं और उनका पर्पस क्या होता है, एक बार इसको और देख लेते हैं। जो 4-5 तरह के जो है वो सिलेक्शन टेस्ट होते हैं। अगर आपको पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर लिखना है तब तो आपको उनके सिर्फ नाम लिख देने हैं, लेकिन अलग से अगर सिलेक्शन टेस्ट पे क्वेश्चन आता है तो कितने टेस्ट होते हैं, वो किस पर्पस के लिए कंडक्ट किए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से सिलेक्शन टेस्ट हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरेस्ट टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल टेस्ट माने जाते हैं टू मेजर द आईक्यू लेवल ऑफ द कैंडिडेट। अब उसमें उनकी एबिलिटीज टू टेक द डिसीजंस, द लर्निंग एबिलिटीज, बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं जिससे कि कैंडिडेट की लर्निंग एबिलिटीज और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को जज किया जाए। तो वो आईक्यू लेवल कैंडिडेट का पता लगता है विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। फिर उसके बाद होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में कैंडिडेट का पोटेंशियल टू लर्न द न्यू स्किल्स, कि कितना वो क्षमता रखता है नई नई चीज़ों को सीखने का। इसी तरह से ये टेस्ट भी जब डिज़ाइन किए जाते हैं तो एक्सपर्ट्स डिज़ाइन करते हैं, वो इस तरह के क्वेश्चंस डिज़ाइन करते हैं कि जिससे कैंडिडेट की इन एबिलिटीज़ के बारे में वो पता लगा सकें। तो अगर उनका पोटेंशियल टू लर्न द न्यू स्किल्स टेस्ट किया जाएगा, उनके इंडिकेटर्स होते हैं वो फ्यूचर सक्सेस रेट के, तो इस तरह के जो टेस्ट होते हैं वो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। उसके बाद अगर कैंडिडेट की एग्जिस्टिंग स्किल्स को चेक किया जाए कि उनका लेवल ऑफ नॉलेज या उनकी प्रोफिशिएंसी कितनी है इन द एरिया ऑफ हिज और हर प्रोफेशन, देन दे आर कॉल्ड एज द ट्रेड टेस्ट। इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है कि व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ट्रेड टेस्ट एंड द एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जो एग्जिस्टिंग स्किल्स को मेजर करते हैं वो होते हैं ट्रेड टेस्ट, और जो फ्यूचर स्किल्स लर्न करने की कैपेबिलिटी को मेजर करते हैं वो होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। क्लियर। फिर उसके बाद होते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं ज़्यादातर कैंडिडेट की इमोशनल एस्पेक्ट्स को जज करने के लिए कि उसका वैल्यू सिस्टम क्या है, मैच्योरिटी लेवल क्या है, इमोशनल टेम्परामेंट क्या है, उसके जेस्चर्स एंड पोस्चर्स। जैसे मान लीजिए अब कैंडिडेट हैज़ एंटर्ड द इंटरव्यू रूम और अभी एम्प्लॉयर या जो इंटरव्यूअर है उसने कहा ही नहीं है प्लीज़ हैव अ सीट, और वो आके एकदम से बैठ गया, तो इसका मतलब कि ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन नहीं उसने दिखाया कि ही हैज एक्टेड बिफोर एक्चुअली एनी कमांड एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द इंटरव्यूअर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। एक बार एक इंटरव्यू में कैंडिडेट से पूछा गया कि आप जो है वो किसके साथ रहते हैं, तो कैंडिडेट ने कहा कि मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ। फिर उसके बाद एक और सेम क्वेश्चन जो है वो दूसरे कैंडिडेट से पूछा गया, उससे पूछा गया कि आप किसके साथ रहते हैं या आपके साथ कौन रहता है, उसने बोला मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। तो बाद में इंटरव्यू ने कहा कि इससे वैल्यू सिस्टम पता लगता है, उसने कहा कि आपके माँ बाप आपके साथ नहीं रहते हैं, आप अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। तो इससे भी पता लगता है कि किस तरह का जो है वो वैल्यू सिस्टम है, रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किससे जज की जाती हैं बच्चों, पर्सनालिटी टेस्ट पे। ठीक है। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट में क्या होता है कि जैसे अभी हमने प्रोसीजर डिस्कस करा कि हमने सिलेक्शन प्रोसीजर तो अडॉप्ट करा टू सेलेक्ट द प्रोडक्शन मैनेजर, लेकिन मान लीजिए आपको ये जानना है कि प्रोडक्शन फील्ड के अलावा इसका और भी किस एरिया में इंटरेस्ट है, तो कुछ क्वेश्चंस उससे ऐसे पूछे जाएंगे कि स्पोर्ट्स में है, सिंगिंग में है, डांसिंग में है, कोई और एंटरटेनमेंट में है, या वो फाइनेंस में भी इंटरेस्ट रखता है या नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं ताकि हम उसके और एस्पेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकें कि और एरियाज ऑफ इंटरेस्ट उसके कहाँ हैं। अगर जैसे आप स्कूल में भी देखते हैं ना बच्चों, क्या आप मान लीजिए पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, रैंक होल्डर्स हैं, लेकिन जब कल्चरल इवेंट्स होते हैं तो बच्चों से पूछा जाता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, सिंगिंग में है, डांसिंग में है, उस हिसाब से ही उस पर्टिकुलर प्रोग्राम या इवेंट में आपका नाम जो है वो लिस्ट में दिया जाता है। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं तो क्विज में दे दिया जाएगा, अगर आपकी सिंगिंग अच्छी है तो सिंगिंग में दे दिया जाएगा। तो इस तरह से अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द कैंडिडेट भी पता होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि फ्यूचर में उन एस्पेक्ट्स से भी वो कैंडिडेट्स क्या कुछ ना कुछ फायदा उठा सकें या उनका इस्तेमाल कर सकें। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, then they play a very, very important role in taking a decision about the selection of the candidate. So with that we are over with the second element of staffing, that is the selection procedure. तो आपने देख ही लिया होगा कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। मुझे नहीं पता कि आपको जॉब प्रोवाइडर्स बनना है या जॉब सीकर्स बनना है, चाहे जो भी बनना हो, आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेक्शन जो है वो कोई आसान काम नहीं है। बहुत मुश्किलों का सामना करके फाइनली जो है वो एक पर्टिकुलर पोस्ट पे सिलेक्शन होता है। आप सिर्फ डिग्री हासिल करने से ही ये नहीं है कि गारंटी हो गई कि आपको अच्छी जॉब ही मिल जाएगी, पूरा प्रोसीजर जो अडॉप्ट किया जाता है वो आपको पार करना पड़ेगा टू गेट सेलेक्टेड टू अ डिग्निफाइड पोस्ट. So you go through that particular procedure also, go through the other aspects of staffing also, watch the videos that are related to the other elements of staffing that I have discussed, and do like and subscribe my channel if you are understanding the way I am explaining, और अपने students और अपने friends के साथ भी share करिए ताकि हर किसी को जो है इसका benefit मिल सके.